आरपीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहाँ पिलुआ निधौली कला एवं महारेरा क्षेत्र के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव ने ग्राम पंचायत भदुआ क्षेत्र के ग्राम गंभीरपुर में किसानों के साथ एक मीटिंग की और बताया कि वे 1 जनवरी को गुलाबपुर स्थित श्रीनाथपुरम पब्लिक स्कूल पर एक बड़ी सभा करेंगे, जिसमें 100 ट्रैक्टर दिल्ली ले जाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। आइए सुनते हैं जिला पंचायत सदस्य जनपद एटा सुभाष यादव को। एटा से चंद्रवीर राजपूत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। हरियाणा पंजाब का किसान बॉर्डरों पे दिल्ली घेरे हुए खड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार उनकी एक बात सुन के नहीं दे रही। किसान विरोधी कानून जो देश में लागू किए गए हैं, जिससे पूंजीपतियों को लाभ होने वाला है, इन किसान विरोधी कानूनों को खत्म कराने के लिए हरियाणा पंजाब गुजरात और राजस्थान से आकर के जिन किसानों ने बॉर्डर घेरा है, आप सब जानते हैं आज इस ठिठुरती हुई ठंड में हम लोग घरों में किस तरह रह रहे हैं, तो बॉर्डर पर लोग ऐसे वक्त काट रहे होंगे, किस तरह से उनको खाना पीना आज मिल रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर इस देश का 80% किसान उभर करके दिल्ली की ओर चल दे, तो किसी सरकार की मजाल नहीं, कानून को वापस करने में उसे देर नहीं लगेगी और उनकी आवाज को आवाज मिलाने के लिए, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज मैं आप लोगों से सिर्फ निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 1 तारीख को शुक्रवार के दिन 1 जनवरी को नई साल नई शुरुआत श्री नाथुराम शास्त्री पब्लिक स्कूल जीटी रोड गुलाबपुर पर क्षेत्र के सभी किसानों को अपना अपना काम छोड़ करके अधिक से अधिक संख्या में आना है, अपनी ताकत का एहसास कराना है। एक संदेश जाना चाहिए, इतने किसान एटा से भी दिल्ली बॉर्डर घेरने को तैयार है और वहां बैठ के जरूरत पड़ेगी तो घंटे 2 घंटे को सर्दी में सड़क गर्म करेंगे और दिल्ली जाने के लिए अपनी तैयारियां करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, कैसे चलना है, किस तैयारी के साथ चलना है, किस समय चलना है। मेरा मानना यह है कि लगभग 50 ट्रैक्टर अगर यहाँ से किसानों के भर के चल रहे हैं तो सरकार को एक संदेश जाएगा कि हरियाणा पंजाब गुजरात राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का किसान भी इन कानूनों को तोड़ना चाहता है। और ये ऐसे कानून हैं, अगर ये कानून रहते हैं तो हमें आपको नहीं आने वाली पीढ़ियों को रोना पड़ेगा। इसलिए ये निजीकरण की सरकार की व्यवस्था है, इसके विरोध में आप लोगों को बुलाने के लिए मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। आप सब लोग 1 तारीख को स्कूल पर भारी से भारी संख्या में आना है। यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है, कोई ट्रैक्टर आदि की व्यवस्था भी नहीं करनी है, नजदीक के लोग हो सब, जितनी ज्यादा संख्या में आप आ जाओगे उतनी ज्यादा संख्या भारी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शुक्रवार के दिन सारे काम छोड़ के, घर परिवार के काम छोड़ के, ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं, किसी जाति की लड़ाई नहीं, किसी परिवार की लड़ाई नहीं, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, संपूर्ण भारत वर्ष के किसानों की लड़ाई है। एकजुट होकर के जब तक किसान नहीं लड़ेगा तब तक धन्ना सेठ इस लड़ाई में लड़ने के लिए नहीं आएंगे। हम और आप सब किसान हैं, हमारे आपके बीच में अगर आजीविका का जो साधन है वो सबसे बड़ा साधन खेती है। अगर खेती ही उन लोगों की बिगड़ जाएगी तो बच्चे क्या खाएंगे, हमारा परिवार का इसे पलेगा। सरकार की जो नीति है वो सबको मनसा साफ है, अगर सरकार के नियम में खोट नहीं होती तो MSP को लागू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार से एक सरकार को केवल एक अपने कानून का ही संशोधन कर देना चाहिए कि MSP से नीचे पर कोई फसल नहीं खरीदेगा। अभी धान का रेट 1860 रुपए था और किसी ने खरीदने की मांग इतनी है कि MSP से नीचे कोई नहीं खरीद पाए। अगर MSP से नीचे कोई खरीदता है तो उसके लिए कानूनी दंड का अपराध का एक प्रावधान होना चाहिए। आप लोग एक अंदाज लगाओ, अगर किसान अपना उत्पादन 1 महीने के लिए रोक दे मात्र, तो ये जितना धन्ना सेठ है, जितने पूंजीपति है देश के, अडानी अंबानी सहित कोई भी एनोमली, ये लोग अपने कारखानों में मोबाइल बना सकते हैं, गाड़ियां बना सकते हैं, अपने कारखानों में और कुछ अत्याधुनिक मशीनरी बना सकते हैं, लेकिन सारे विश्व का ज्ञान और विज्ञान लग जाए जो तुम्हारे कारखाने में पैदा होता है, ये फल सब्जियां घी दूध मक्खन ये अपने कारखानों में पैदा नहीं कर सकते हैं। और अगर किसान पूरे भारतवर्ष का 1 महीने के लिए उत्पादन रोक दे तो उनके घरों में चूल्हे नहीं जल सकते, उनको चाय नहीं मिलेगी सुबह उठ के, चाय हमारे दूध की पीते हैं, रोटी हमारे अनाज से खाते हैं, सब्जी हमारी सब्जियों से खाते हैं,
फल हमारे उगाए हुए खाएंगे और उसके बाद हमें आंख दिखाई जा रही है। इसीलिए इन काले कानूनों को खत्म करने के लिए एक बात ताकत दिखानी है। घर घर से हर आदमी को आना है, जो नहीं आए हैं उन्हें बता देना है। 1 तारीख को हर हाल में गुलाबपुर स्कूल के सब लोगों को भारी से भारी संख्या में आए, हमें इस कानूनों को, काले कानूनों को खत्म करने के लिए ताकत दे और तय करेंगे कि फिर दिल्ली कैसे कूच किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जो आप आज ग्राम गंभीरपुर में जो मीटिंग लेना चाहते, किस विषय पर मीटिंग है आज की? विषय यह है कि भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी जो 3 कानून पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि के बॉर्डरों पर दिल्ली घेरे हुए किसान 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, सरकार सुन के नहीं दे रही है। हम लोग भी उन किसानों के समर्थन में 1 तारीख को अपने श्रीनाथुराम शास्त्री पब्लिक स्कूल जी टी रोड गुलाबपुर पर क्षेत्र के सब किसानों को इकट्ठा करके दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे और यहाँ से करीब 100 ट्रैक्टरों के साथ अपने आसपास के क्षेत्र के किसानों को लेकर के दिल्ली का बॉर्डर घेरेंगे और भारत सरकार को ये किसान विरोधी 3 कानून वापस लेने के लिए बात करेंगे। 1 तारीख को ये प्रस्थान रहेगा जाने का? 1 तारीख को पहले क्षेत्र के किसानों के साथ वार्ता होगी, 1 किसान महापंचायत होगी गुलाबपुर स्कूल पर और वहाँ से तय किया जाएगा कि हम लोगों को कब और कैसे चलना है। वहाँ से तैयारियाँ की जाएंगी, उसके बाद निकलेंगे।